बहुत थक गया हूँ जानू। क्यों, क्या हुआ पापा? कौन सा पहाड़ चढ़ के आए हैं आप आज? जिया नाना, अपनी डैडी को ना चिढ़ा। वैसे भी सारा दिन इतने मरीज इन्हें चिढ़ाते रहते हैं। ये क्या कह रही है आप? मुझे कोई नहीं चिढ़ाता। नहीं तो फिर सारा दिन वो तुम्हें जीप क्यों दिखाते रहते हैं? वो पापा का काम है। अरे मैं अच्छी तरह जानती हूँ जो इनका काम है। मैं उस दिन क्लिनिक गई थी तो देखा वहाँ एक आदमी कमर के दर्द से मारे परेशान है। डॉक्टर सूरज उसे कहते हैं जरा खांस कर दिखाओ। तो बेचारा जब खांसा तो ये पूछ रहे खांसी आपको कब से है। ये साइंस है साइंस। वैसे भी आप जादूगर मदारी को इसके बारे में क्या पता? और आज तक मेरा रिकॉर्ड है 99% मेरे पेशेंट्स कंप्लेन नहीं करते। बिल्कुल सच बोला सूरज, मुर्दे कंप्लेन नहीं करते। राधा तुम्हारी माँ की सेफ्टी खतरे में है। अरे ऐसा क्या हो गया? देखो तुम अपनी माँ से कह दो कि मेरे दिमाग का दही न बनाए। रायता बनाओ। जाने दो ना। क्यों परेशान कर रहा है उसे? अरे परेशान कहाँ कर रहा, उसे तो मैं क्रिकेट सिखा रहा हूँ। अच्छा? हाँ वो क्या है ना, आज हम स्टंपिंग की प्रैक्टिस करने वाले थे ना, इसलिए। तो तुझसे वो दूर क्यों भाग रहा था? वो क्या है ना, आज मैं उसे स्टंप्स बनाना चाहता था तो बनना नहीं चाहता ना। तू मेरे जय को स्टंप्स बनाएगा? निकल निकल यहाँ से, निकल। इस लड़के को अगर कंट्रोल नहीं किया गया ना तो ये बिल्कुल सूरज की तरह बनेगा। और फिलहाल तो ये आपकी तरह मोटा बन रहा है खा पी कर। राधा, ए राधा, अब क्या हुआ शांति जी? वो मेरे घर में उड़द की दाल खुलप होगी तो मैंने सोचा कि आपने सोचा कि पड़ोस में तो सुपरमार्केट है, वहीं से सारा सामान ले लेती हूँ। क्यों? नहीं नहीं नहीं, सुपरमार्केट से क्यों, तेरे घर से ले लेती हूँ। क्या बातें हो रही है? मैं डॉक्टर सूरज से मोटापे का इलाज सीख रही हूँ। सूरज जी के पास तो हर बीमारी का इलाज है। ये तो सिर्फ हंस के ही मरीज को देख लेना तो मरीज वैसे ही ठीक हो जाए। तारीफ के पुल बांधना तो कोई आपसे सीखे। एक फूल चढ़ गया पुल पर। भाई फूल, गुलाब का फूल, नॉट फूल। आप झोंको सबकी आंखों में धूल, मैं चली। हेलो हेलो, मैं बोल रही हूँ। मैंने ये बताने के लिए फोन किया है जिया कि मेरे पास आज रात को होने वाले रॉक कॉन्सर्ट के 2 टिकट्स हैं। क्या रॉक कॉन्सर्ट की टिकट्स? वो तो कितनी मुश्किल है मिलना। लेकिन वैसे भी तुम मुझे थोड़ी ना अपने साथ लेकर जाने वाली हो। करेक्ट, तुम इतने बेवकूफ भी नहीं जिया जितने की दिखती हो। बाय द वे मैं अपने साथ ध्रुव को भी ले जा रही हूँ रॉक कॉन्सर्ट में, लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। डोंट यू वरी, वी विल हैव लॉट्स ऑफ फन। ओके बाय बाय बाय। क्या रानी देवी, आपने दुनिया इतनी मीन क्यों बनाई है? चीट करती रहती है हमेशा पैम मुझको, बीट करता रहता है बिट्टू हमेशा जय को, टीज करती रहती है नानी हर दम पापा को, और हर्ट करता रहता है राजा हमेशा मीता को। आपके लिए तो कितना ही इजी है कहना श्रृंग भृंग सर्वलिंग भूत भविष्य वर्तमान बदलिंग, बने एक ऐसा जहां हो सब कुछ मीठा, वहां रहे हरदम दोस्ती और प्यार का समा। मैं भी कितनी स्टूपिड हूँ, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। सासुमा, ओ सासुमा, आज मैं बहुत थक गया हूँ सासुमा। मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया तो चलकर मुझे अपने सारे विजिट्स करने पड़े। मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है सासुमा। मेरे बेटे आराम से बैठ ला, मैं पैर दबा दूँ। ला लगता है मेरा जादू पहली बार चल गया। कुछ आराम मिला? हाँ। नहीं नहीं ऐसे नहीं। हाँ। अब गर्म पानी में पैर डालकर देखो, पूरा आराम मिलेगा। सासुमा, मैंने पिछले जन्म में जरूर कोई पुण्य का काम किया होगा जो आप जैसी सासुमा मिली है मुझे। नहीं नहीं, पुण्य का काम तो मैंने किया जो तेरे जैसा दामाद मुझे मिला। और सुन, मैं तेरी सासुमा नहीं हूँ, मैं तो तेरी माँ हूँ। माँ? माँ, मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा है माँ। मैं अभी तुम्हारा गला दबा देती हूँ। अरे सर क्यों गुजारे अपना? लगता है जैसे देख रही हूँ कोई सपना।
क्यों, कोई नई बात हुई? आपकी पापा से लड़ाई नहीं हुई? मैं नहीं लड़ती अपनी जान सूरत से। ये कहते हैं हर बिल्ली खाने से पहले चूहे से। देख ये तो तेरा भरम है, लगता है वर्ल्ड में शुगर ही कुछ कम है। खा ले लड्डू, ले जा तुझे सब कुछ एकदम सुहाना। आपको नहीं खाना? मुझे तो है सूरज का गला दबाना। क्या बेटा? और फिर पता क्या हुआ? जी हाँ, मैं तेरी बातें बाद में सुन लूंगी, फिलहाल राजा मेरा कितनी देर से वेट कर रहा है। बोले तेरी वेट कर रहा है राजा? ओ मेरे राजा, देर से आई दूर से आई, मजबूरी थी फिर भी मैंने वादा तो निभाया। समझ गया मैं, वही पुराना तेरा बहाना, देर से आना और ये कहना वादा तो निभाया। अरे ये सब छोड़ो मीता, क्या है ना, तुम्हारे बिना एक एक पल एक एक साल की तरह गुजरता है। ओ, ओ मेरे स्वीट पप्पी डॉग। अच्छा अभी जाओ, मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आओ। कोल्ड ड्रिंक अभी लाया, दो मिनट, तुम कहीं जाना मत। ओके, डोंट गो अवे। मैं यहाँ क्या करूँ, तेरी बात मैं बाद में सुन लूंगी, फिलहाल मुझे राजा के पास जाना है। राजा! वाह, अब मैं पैम से मिलने को बेताब हूँ, क्योंकि सारी दुनिया बदल सकती है लेकिन पैम कभी नहीं। हाय जिया। हाय जिया। हाय जिया। जिया कितनी अच्छी लग रही हो, और ये ड्रेस तुम पे कितना सूट करता है। सूट करता है। और तुमने अपने बालों को क्या किया है? They are looking so nice. So nice. हाँ? अच्छा, हमारे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है? तुम हमारे इतनी अच्छी दोस्त हो ना, इसीलिए। इना, टीना, ये लो। ये क्या है? ये दो टिकट्स हैं रॉक कॉन्सर्ट के, तुम ध्रुव को लेके जरूर जाना। ओ जिया, यू गाइस मेक सच अ गुड कपल। अच्छा अब यहाँ क्या कर रही हो? चलो हमारे साथ। कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती, मेरे साथ ये मीठे होने का नाटक कर रही है, जरूर कोई जाने। हाय जिया। हेलो एवरीबॉडी। हाय। हाय ध्रुव, जिया तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लाई है। रियली? क्या सरप्राइज है जिया? मैं बताती हूं कि सरप्राइज क्या है। रॉक कॉन्सर्ट की दो टिकट्स। लेकिन हम तो काफी सारे हैं, हम सब कैसे जाएंगे? ओहो, हम सब नहीं, तुम दोनों साथ जाओगे। जी और मैं साथ जाएंगे? नहीं नहीं, हम तुम सबको अकेले छोड़ के कैसे जा सकते? Oh, don't be silly, Driv. पता है तुम दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हो, and I'm sure you'll win the prize for best looking couple. वो क्या है ना, मैं जब भी जिया के साथ खड़ा रहता हूँ ना तो ऑटोमेटिकली अच्छा लगने लगता हूँ, वरना मैं क्या हूँ? हाउ रोमांटिक, ऐसा तो देवदास में शाहरुख ने ऐश्वर्या से भी नहीं कहा था। अरे मीता, अगर तुम मुझे ऐसे ही जहाँ तहाँ छोड़ दोगी तो देवदास तो मैं ही बन जाऊंगा ना। हटो, मैं छोड़कर चली जाऊंगी तो तुम किसी दूसरी लड़की को पकड़ लोगी। राम 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 राम, कैसी बातें कर रही हो मीता? ध्रुव जरा इनको बताओ है कि हम बॉयज कैसे होते हैं, हम अगर एक लड़की के साथ होते हैं ना तो किसी और लड़की को देखते भी नहीं है। हाँ, हम बॉयज का तो ऐसा है, एक बार लड़की को दिल में बसा लिया तो बसा लिया, दिल की चाबी को लॉक कर देते और सीधा फेंक देते। हम लड़कियां भी किसी से कम नहीं, इस कॉलेज में ऐसी कोई भी लड़की नहीं है जो किसी और के बॉयफ्रेंड पे डोरे डाले। कहाँ चली गई? पैम तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो। पैम तुम हमेशा ठीक बोलती हो। थैंक यू सो मच इना टीना, तुम्हें पता नहीं तुम लोगों का ओपिनियन मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। व्हाट अ फ्रेंड्स फॉर। ओके गाइस, मुझे क्लास के लिए जाना है, लेट हो रहा है। यार आई होप आज प्रोफेसर एक सरप्राइज टेस्ट दे दे, बहुत मजा आएगा है ना। सरप्राइज टेस्ट तो मजा आएगा। मीता तुम अपने साथ इना टीना को ले जाओ, पता है जब मैं कॉलेज में नई नई आई थी तो बिल्कुल अकेली थी, इन दोनों ने मेरा बहुत साथ दिया था, एंड एनीवे दे वर योर फ्रेंड्स फर्स्ट, तो इन दोनों को तुम्हारे साथ ही रहना चाहिए। यस। ओह पैम, इना टीना मेरे साथ रहे या तुम्हारे साथ रहे क्या फर्क पड़ता है, आखिर हम सब साथ साथ हैं।
कॉन्सर्ट कैसे जाएंगे? तुम ठीक कह रही हो जिया, इतने अच्छे इतने प्यारे दोस्तों को अकेले छोड़ के कैसे जा सकते हैं? यू आर राइट जिया, हम रॉक कॉन्सर्ट नहीं जाएंगे। क्या? हाँ हाँ, या तो सब जाएंगे या कोई नहीं जाएगा। और जो की सिर्फ दो टिकट्स है तो कोई नहीं जाएगा। कोई भी नहीं जाएगा? कोई भी नहीं जाएगा। वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। गाइस, अब हमारा यही लक्ष्य होना चाहिए कि कैसे हम अपने माँ बाप का और अपने कॉलेज का नाम रोशन करते हैं। सो गाइस, नो रॉक कॉन्सर्ट, ओनली स्टडीज। वो कहते हैं ना, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। मैं तो लोगों को बताना भूल गई कि आज मुझे घर जल्दी जाना है। ओके, बाय बाय बाय।